बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है? तो वैसे अभी अभी सो सो के उठा हूँ मैं। ठीक है, उठने के बाद नहा लिया था, नहाने के बाद दोबारा सो गया मैं। सीन कुछ ऐसा हो गया। और आज मंडे है, मंडे की मॉर्निंग है। तो आज से वीडियो रेगुलर डाल ली थी, बट सीन ये हो रहा है कि सो सो लाइट चली गई है। देखो, है नहीं लाइट। और मतलब मैंने वीडियो अपलोड करके स्केड्यूल नहीं करी थी, तो वीडियो एडिट कर दिया और करने के बाद लैपटॉप में थी, बस अपलोड करनी थी इसलिए जल्दी उठा था। और देखा तो लाइट चले कि फिर दोबारा सो गया मैं। ठीक है, सोने के बाद उठा हूँ, 6:15 हो रहे हैं, 6:35 पर मेरी कैब आ जाएगी जिससे कि अपन ऑफिस निकलेंगे। तो मैंने सौरभ को फ़ोन किया, वहाँ भी लाइट आ रही है शायद। फ़ोन तो उठाया उन्होंने, बट वो सो रहे थे नींद में, तो मैंने कहा यार जाके नींद खराब करना बेकार है अभी। ठीक है, तो फिर अब जब ऑफिस से वापस आऊँगा रात को, तब तो रात में अपलोड करूँगा वीडियो। ठीक है, यही करना पड़ेगा यार, क्या कर सकते हैं। तो फटाफट से दोबारा से मुँह धो रहा हूँ, धोने के बाद बैग मैंने पैक कर रखा है अपना, एंड पैंट पहननी है, अभी कच्चे में ही हूँ। पैंट पहन के रेडी होते हैं, 5 मिनट के अंदर फिर चलेंगे, कैब आ रही है अपनी, लेट्स गो। चलो भाई निकल लिए, कैब वाले भैया का ही फ़ोन आ चुका है। 36 हो रहे हैं, 6:36 और 6:35 का जो पिकअप टाइम है, तो 2-3 मिनट ऊपर नीचे हो जाता है। बट मैं ना मतलब बीच में क्या हो रहा था कि अभी नया नया स्टार्ट करा ना, ज्वाइन करा, तो भैया के फ़ोन से उठ रहा था। उठने के बाद 5-10 मिनट में रेडी हो गया, फिर मतलब 6:40 तक वहाँ पहुँच रहा था। तो एक दिन तो चले गए थे, नोशा लग गया था, बस मेरा थोड़ा सा आ गया था, मैं आप पहुँच गया। लेकिन चलते हैं, अभी खाया पिया कुछ नहीं है, खाता नहीं मैं सुबह सुबह, मन सा नहीं करता है इतनी जल्दी उठ के खाने का। वहाँ जब पहुँचूंगा ना ऑफिस में, तो वहाँ जाऊँगा फिर प्रदीप भाई के साथ चाय वाय पियेंगे, खड़ी होगी अपनी कैब बगल में। अभी भैया मेट्रो पर ही है यार, कह रहे हैं मेट्रो तक आ दो चलते चलते, मैं नहीं जा रहा भाई। मतलब जा रहा हूँ थोड़ा थोड़ा आगे तक, आ रहे होंगे जब तक, लस्सी पी लेता हूँ अंदर से मैं। मतलब भूख तो लगती है, मतलब प्यास ही लगती है इस टाइम, ताकि मैं ऑफिस जाके भी खाता हूँ, यहीं देखता हूँ कुछ मिल जाता है तो। ये लिए भाई अभी 15 रुपये की अपने लस्सी पियेंगे अब सुबह सुबह, ड्राई फ्रूट लस्सी अंदर से। कुछ खाने पीने के बाद मन थोड़ा फ्रेश हो जाता है ना, इसलिए थोड़ा पी लेते हैं। अभी कैब वाले भैया का वेट कर रहे हैं, अभी मैंने भैया को फ़ोन किया आ जाओ, वैसे हमेशा लेट करता हूँ आज, वैसे वैसे तो भैया आ जाते सुबह तक, आज ही हुआ है कि अभी तक नहीं आए, आगे हो रहे आ रहे मेरे ख्याल से, अंदर मोड़ रहे हैं। चलता हूँ अभी भैया के पास। लड़का छाती पीट कर रो रहा है, भाग्य को कोस रहा है, नक को कोस रहा है। तो इसके पास गया और जाकर के बोले कि जो तुम छाती पीट रहे हो ना, जो तुम भाग्य को कोस रहे हो, इसी बात से वो नाराज होकर के तुमसे दूर चला गया। अब तुम जाओ उसकी तलाश में, उसे लेकर के आओ, जब वो तुम्हारी जिंदगी में वापस आएगा तो तुम्हारी जिंदगी में खुशियां पैसा सब वापस आ जाएगा। पहुंच गया भाई कैब में, नींद पूरी कर रहा था अपनी थोड़ी देर। ठीक है, और पास बिल्डिंग आप खुद खाई ना कितनी प्यारी है। सो ऐसे सीन कुछ ऐसा है कि ना, ये मेरा अभी 1 हफ्ता हो चुका है कंपनी में। फर्स्ट डे का मैं वीडियो बना के डाल चुका हूँ, देखी होगी आपने। तो फर्स्ट डे मैंने मंडे को बनाई थी पिछली बार, उसको वीडियो बनाई नहीं कुछ भी, और आज दोबारा मंडे है। तो आज मेरा मतलब मान लो 5 दिन हो गया, और ट्रेनिंग की ही चल रही है, ट्रेनिंग ही चल रही है। तो ट्रेनिंग के हम स्टेज पर है, हमें इंग्लिश सिखाई जा रही है, तो इंग्लिश सीखेंगे। अभी जाता हूँ, बैग वैग रखता हूँ, वो प्रदीप भाई आ गए, उनके साथ जाऊँगा, थोड़ा बाहर चाय वाय पीऊँगा, अभी फ्रेश होता हूँ। अभी 8:30 बजे, 8:10 हो रहे हैं, 8:30 की शिफ्ट होती है, स्टार्ट होती है 9 बजे मेरी। ठीक है, तो मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में, ज़रा बैग वगैरह रख के। जिंदगी बड़ी लाला। और प्रदीप भाई क्या हाल है आपके? बस बढ़िया ब्रो। अलग कैसे हो गया आप मेरी कैब से आज? अरे यार क्या बताएं भाई, हम दोनों साथ में आते हैं डेली, बट आज इनकी कैब अलग हो गई और मैं अलग हो गया, अलग अलग आया आज, ये थोड़ा लेट आया मैं, से मैं जल्दी आ गया था, लेट बहुत लेट। मैं वही सोच रहा था कि वो भैया होते हैं उस टाइम पे पहुंच जाते हैं। तो हमारा छोटा सा बैच है भाई, ये काज भाई है, और ये श्रद्धा है, ये पढ़ना है, ये सारे मेरे बैच के हैं। हमारा बैच बहुत ज़्यादा छोटा है इस बारी, ऐसा तो बड़ा बनता है पर इस बार छोटा बना है, पता नहीं क्यों, बहुत छोटा है अभी तो, बहुत ज़्यादा। आया थोड़ा सा नीचे घूमने, क्विक ब्रेक पे 10-15 मिनट के, मस्त लग रहा है, स्मार्ट लग रहा हूँ भाई, है ना। खत्म हो गया भाई 10 मिनट का ब्रेक, ला 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 ला। कहीं भी चल लो भाई। और भाई क्या करा तुमने वीकेंड पे अपने? यार, तो कपड़े धो जाए घर पे, कपड़े मैंने भी क्या करा भाई? मैंने वर्ल्ड कप जीत गए भाई, सबको कांग्रेचुलेशंस, इंडिया जीत गई भाई।
ऐसे मैं देखता नहीं हूँ ज़्यादा, बट हाँ मेरे को पता रहता है कौन जीता कौन नहीं जीता। भाई अपना हो गया लंच टाइम, अब देखते हैं खाने में क्या है। हमारी कंपनी में खाना मिलता है, वन टाइम मील फ्री, मेहनत का है, लेकिन भाई बहुत मेहनत कर रहे हैं इसमें। क्या हो गया भाई, मजदूरों क्या कर रहे हो भाई, जल्दी जल्दी डालो बूफे लगाओ भाई बूफे में। चावल लेंगे, कितने प्लेट है चावल लेंगे, डाल दो थोड़े से, बस बहुत है भाई। लड्डू खा रहे हो ना केले केले, लो भाई खाना खा लो, दाल चावल खा लो, सलाद खा लो, पनीर मसाला बटर मसाला खा लो, बैगन खा लो, रोटी खा लो, और ये लो भाई। भाई मेरे बिना खाना चालू कर दिया भाई तुम लोगों ने, ठंड तो मुझे लगी रही है बहुत तेज, कुछ ज़्यादा एसी चल रहा है, बाहर कुछ ज़्यादा गर्मी है, यहाँ कुछ ज़्यादा ठंड है। डेनिम जैकेट लेकर आए हो आप, यहाँ 0 degree भाई लेकर आओ। तो भाई खाना पीना खा लिया था दबा के पेट भर के, हम नीचे आ गए थोड़े हवा खाने के लिए। और ये काम पे सही चल रहा है? हाँ सब बढ़िया चल रहा है। कंपनी कैसी लग रही है? कंपनी अच्छी लग रही है, पेट भर के खाना खा के आए हैं, अभी बाहर घूम रहे हैं। सही चल रहा है, मजा आ रहा है कंपनी में, बहुत मजा आ रहा है। तो भाई प्रदीप भाई पहले कंसल्टेंट्स में थे जहाँ पे मैं था ना, बट इनका प्रोसेस अलग था, और इन्होंने भी कितने साल काम करा है वहाँ पे? 1.5 साल। 1.5 साल इन्होंने वहाँ करा है, 2 साल तक मैंने करा है, ठीक है। तो अभी ये कंपनी है अपनी बढ़िया अरुण आरसीएम, धीरे धीरे सब बताऊंगा, करवा दो भाई बनाओ। मैं सुन नाम विकास, आगे मैं फौज की तैयारी कर रहा था, नहीं लग पाया इसलिए यहाँ आ गया, फिर बस अभी यही। तो क्या कहना चाहते हो जो बंदे आर्मी की तैयारी कर रहे हैं उनको? ये कहना चाहते हो हार मत मानो कभी भी, नहीं लग पाया कोई नहीं, इतनी बड़ी बड़ी कंपनी है तुम्हारे लिए खाली पड़ी है, पढ़े लिखो आ जाओ, मेरा सपोर्ट है। नहीं है तो हमारा भी सपोर्ट है, सपोर्ट करता हूँ इनको मैं, बहुत नॉलेज देता हूँ इस चीज़ के बारे में। तो भाई हमारी चल रही है अभी ट्रेनिंग, हमें सिखाया जा रहा है अमेरिकन एक्सप्रेस। थोड़े दिन में पता मैं क्या बोला करूँगा, ऐसे बोला करूँगा, हेलो आई सो बैक टू माय चैनल, सो टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट समथिंग, ऐसे करके बोलूँगा, फुल अंग्रेज बन जाऊँगा थोड़े दिन में। अभी तो मौज चल रही है भाई, क्योंकि ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग के बाद जब फ्लोर पर जाएंगे तब होगा थोड़ा बहुत काम जो होगा। वो दोनों कहाँ गए, अपर्णा और श्रद्धा, वो भी यहीं होंगे, फोटो वोटो खींच लेंगे। तो भाई कमेंट में जाके बता देना अगर किसी को भी जॉब करनी है आरसीएम में, तो मैं वो बता दूंगा क्या नाम है, प्रोसीजर क्या होता है, अलग से वीडियो डाल दूंगा कि भाई हाउ टू अप्लाई और हाउ टू क्लियर असेसमेंट सब कुछ बता दूंगा उसके अंदर, ठीक है। जितने ज़्यादा कमेंट होंगे उतने ज़्यादा उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, कमेंट करो और बताओ, घर जाके फिर एडिट करूंगा इस व्लॉग को, डैन डालूंगा। और आज सीन कुछ ऐसा है कि अवनीश कह रहा है कि अवनीश मेरे को लेने आएगा, उसकी जॉब भी लग गई है पुलिस बाजार में, अभी वो कर रहे हैं वहाँ पे, तो थोड़े टाइम वहीं करेगा उसके बाद देखेगा। तो फिलहाल उसका ऑफिस मेरे से 10 मिनट दूर है बस। सो आज का टाइम हो गया खत्म आर्मी आरसीएम में, ठीक है भाई, तो भाई गाइस मिलते हैं कल। एक और था ना भाई साहब, अरे अरे भाई। तो भाई अभी छुट्टी हो चुकी है और मैंने ना यार कैब के लिए मतलब कैंप कैंसिल करा दिया अपनी घर के लिए, क्योंकि अवनीश अभी पुलिस बाजार में लगा है नया नया, अवनीश को तुम जानते हो गए ब्लॉग में, दोस्त है अपना, भाई है। तो उसने मेरे को बोला कि इसकी 6 बजे छुट्टी होगी, मेरी 5:30 हो चुकी है, आधा घंटा है मेरे पास अभी, मैं नीचे आ गया हूँ बाहर, और उसको लोकेशन सेंड कर दिया। तो वो स्कूटी से आता है पुलिस बाजार में, कैब अलाउ मतलब कैब वगैरह नहीं होती है, तो वही लेने आएगा, उसके साथ ही जाऊँगा अभी, तो थोड़ा आगे तक चला जाता हूँ, लोकेशन वगैरह सेंड कर दिया उसको मैंने, तो आ जाएगा 5-10 मिनट में, फिर उसके साथ ही निकलूँगा आज। पता होना चाहिए ना कि मतलब घर से आर से आने में स्कूटी बाइक पर कितना टाइम लगता है, देखते हैं कितनी देर में आएगा भाई वो, तब तक देख रहा हूँ कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीता हूँ मन करता है तो। भाई 5:30 बजे की छुट्टी हुई है मेरी, इसने कहा था 6 बजे आऊँगा, भाई 6:30 होने वाले हैं भाई, इतनी देर से कहा था जाम में। और कैसा लग रहा है मजदूरी, महसूस हो रही है मजदूरी? 2 दिन हो गए काम के, 2 दिन हो गए, तीसरे दिन आज, तीन फ्राइडे हो गया आया था ये, फिर सैटरडे को एंड मंडे को। पुलिस वगैरह में जॉब लग गई भाई इसकी, कुछ भी पूछना होना इससे इंस्टाग्राम पे पूछ लेना, डिस्क्रिप्शन में इसके भाई पॉलिसी कंसल्टेंट, पॉलिसी बेचेगा अभी पब्लिक को, देखते हैं भाई को मजा आता है कि नहीं, इसका इंटरव्यू लूंगा बिठा के, पब्लिक को नहीं, हाउ टू अप्लाई इन पॉलिसी बाजार सब कुछ बताया गया, बता देगा ना भाई। अबे पब्लिक को पॉलिसी नहीं बेचता भाई, फिर किसको बेचता है? जो पॉलिसी बाजार में आते हैं उन्हें बेचता है। हाँ तो कोई नहीं, समझा तो सकते हैं पब्लिक को, नौकरी कैसे लगे बेचारों की, एज अ फ्रेशर लगा है अभी ये, थोड़े टाइम करेगा फिर एक्सपीरियंस शेयर करेगा अपना। अब क्या कर रहा है, चलना भाई बहुत देर वैसी हो चुकी है। परवीन कहाँ है? परवीन मेरे ही पुश में आ रखा था, परवीन कह रहा मेरी 20 मिनट बाद छुट्टी होगी, और भाई इतनी देर वैसे रुक गया यार, और कैसे रुकूंगा, सुबह 6:30 बजे मेरी कैब आ जाती है यार, 7 बजे भाई वही तो कह रहा हूँ, 6 कल से मैं भी 7 बजे घर से निकलूंगा भाई, आज आधा घंटा लेट था, मेल लिखवा ली, मेल लिखो फिर मैंने लगा सॉरी सर, भाई बोल देता ना सीधा, ट्रैफिक वगैरह था रास्ते में, तुमने बोल दिया 1.5 घंटा लगता है, 1 घंटे लेट था भाई, कोई बात नहीं।
मैंने लिए भी करा चुका हूँ, ठीक है। थोड़ा सा धूल मिट्टी में हो गया था क्योंकि कैब से आता हूँ, ऐसे स्कूटी से आया था, तो अभी टाइम हो रहा है 10 मिनट लेट ही पहुँचाऊँ खैर मैं, क्योंकि परी को क्योंकि अवनीश मेरे पास देर में ही आया था 50 मिनट। तो अभी गाइस चार्जर वार्जर लेके लैपटॉप लेके जा रहा हूँ 100 रुपये, क्योंकि मेरा वाईफाई का रिचार्ज हो गया, ख़त्म हो चुका है। और सैलरी आएगी मेरी नेक्स्ट मंथ यानी कि 1 तारीख को, तभी करवाऊंगा मैं रिचार्ज, या फिर उस बीच में करवा दूंगा पापा से लेके पैसे, पापा भी कराएंगे तब मांगूंगा। तो अभी उससे पहले फटाफट से व्लॉग एडिट करना है और अपलोड करना है, जो कल बनाया था मतलब पिछले वीक बनाया था फर्स्ट डे ऑफ आर्मन आरसीएम, तो वो अपलोड कर देता हूँ। उसके बाद जो है आज का व्लॉग जो है वो भी एडिट करूँगा, उसको भी एडिट करके रख दूँगा, वो कल डल जाएगा, ठीक है। तो होप करता हूँ गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, भाई को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करो, क्योंकि यार पूरा दिन निकाल रहा हूँ मतलब हालत ख़राब हो रखी है, फिर भी व्लॉग लेकिन मैं कोशिश करूँगा पूरा डालूँ। तो कुछ नहीं चाहिए, आपका प्यार चाहिए, सपोर्ट चाहिए, ऐसी बना के रखो सपोर्ट, प्यार बना के रखो, लगे कि हाँ अगला मेहनत कर रहा है तो भाई सपोर्ट कर देना, लगे कि नहीं कर रहा मेहनत तो भाई मत करना। और क्या बोलूँ मैं, दिन रात एक कर रहा हूँ और ट्राई कर रहा हूँ कि अपने कंटेंट को बेहतर करता जाऊँ, आपको मज़ा भी आए देखने में, इन्जॉय भी करो और नॉलेज भी मिले जॉब के रिगार्डिंग। जो भी बेरोजगार भाई हैं मेरे सारे, उनकी नौकरी लगेगी, कुछ ना कोई दिक्कत नहीं है, कंसेंट्रेस कवर हो चुका है, आरएनआरसीएम भी हो जाएगा और कंपनीज भी धीरे धीरे होंगी, काफ़ी दोस्त हैं उन सबके इंटरव्यू लूँगा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, ठीक है। तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, प्यार दिखाओ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, बाय बाय।